आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फाइलम पोरीफेरा की और सीलेंट्रेटा की और प्लैटी हेलमिंथीज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइलम पोरीफेरा। तो यहाँ पर इस फाइलम का नेम क्या है, फाइलम पोरीफेरा, पोर का यहाँ पर इसका नेम है ना पोरीफेरा। तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है, पोर का मतलब होता है छिद्र, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर बहुत सारे छिद्र हैं। छिद्रयुक्त अगर बॉडी है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप के अंदर रखे जाते हैं। छिद्रयुक्त ऑर्गेनिज्म को इस ग्रुप के अंदर रखा जाता है, इसीलिए इस ग्रुप का नाम ही क्या रख दिया गया है, फाइलम पोरीफेरा, ये इनका नाम रख दिया है। ये जीव कैसे होते हैं, अचल होते हैं। अचल का मतलब क्या होता है कि ये अपने सबस्ट्रेटम से, मान लीजिए ये पत्थर है या समुद्र के अंदर मिलने वाला कोई पत्थर है या चट्टान है, उसके ऊपर ये आके चिपक जाते हैं। चिपक जाएंगे तो ये कैसे होंगे, एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते हैं, इसीलिए ये कैसे होते हैं, अचल होते हैं, यानी कि किसी भी आधार से ये चिपक जाते हैं, इसलिए अचल होते हैं। और क्या, साथ ही साथ इनके अंदर क्या होता है, केनाल सिस्टम होता है, ठीक है, इनमें नाल प्रणाली यानी कि केनाल सिस्टम होता है। इस केनाल के माध्यम से यानी कि इस नाल प्रणाली के माध्यम से क्या होगा, जो जल है वो इनकी बॉडी के अंदर जाएगा, और जल के साथ साथ जब जल जा रहा है तो आपको पता है जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और बहुत सारी जो डिफरेंट टाइप की ऑक्सीजन है वो इसकी जो डिफरेंट टाइप की गैसेज हैं सॉरी डिफरेंट टाइप की जो गैसेज हैं वो भी इसकी बॉडी के अंदर जा रही है, और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन है वो इसके अंदर जा रही है। और इसी पानी के थ्रू, जब ये पानी इस केनाल के थ्रू अंदर जा रहा है तो इसके ये अपने साथ क्या लेकर जा रहा है, भोज्य पदार्थों को भी ये उस छेद से इसकी बॉडी के अंदर लेकर जा रहा है, ठीक है। और जिस उस केनाल सिस्टम को क्या बोलते हैं, वो जो केनाल सिस्टम है, क्योंकि इनकी बॉडी कुछ इस टाइप की होती है और बॉडी यहाँ पर किसी पत्थर से या किसी सब्सट्रेटम से चिपकी रहती है, ये वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाला, इसको हम कहते हैं ऑस्टिया, क्या बोलते हैं इसको, ऑस्टिया। और इसे इस ऑस्टिया के थ्रू जो वाटर है वो इनके अंदर जाता है, और यहाँ पर एक और पोर होता है, उसे कहते हैं अपरकुलम, उसे बोलेंगे अपरकुलम। और इस अपरकुलम सॉरी ऑस्कुलम ऑस्कुलम अपरकुलम नहीं उसको बोलते हैं ऑस्कुलम। और इस ऑस्कुलम के थ्रू क्या होगा, जो वाटर है वो इनकी बॉडी से बाहर चला जाएगा। जब ये वाटर इनके अंदर आ रहा होगा तब वो अपने साथ डिफरेंट टाइप की गैसेस को और भोज्य पदार्थों को भी लेकर आएगा, और साथ ही साथ जितना वेस्ट मटीरियल है वो यहाँ इस अपरकुलम से होता हुआ बाहर की तरफ निकल जाता है। तो इसे कहते हैं केनाल सिस्टम या नाल प्रणाली। और इनका जो शरीर है वो किससे ढका हुआ रहता है, कठोर आवरण इनके शरीर के ऊपर होता है, यानी कि ये इनकी बॉडी है और इनकी बॉडी के ऊपर कुछ स्पाइन लाइक यानी कि कुछ कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उससे जो इनकी पूरी की पूरी बॉडी है वो कवर अप रहती है, ठीक है। इस यानी कि कैसी होती है, शरीर के ऊपर क्या होता है, कठोर आवरण इनके ऊपर रहता है। और इनके अंदर क्या होता है, अत्यंत यानी कि इनके ऊपर ज़्यादा ऊतक जो टिश्यू होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते हैं, मतलब सिर्फ एक ही टाइप के टिश्यू इनके अंदर होते हैं, तो यानी कि ज़्यादा डिफरेंशिएशन टिश्यूज़ के बीच में ज़्यादा डिफरेंशिएशन इनमें नहीं होता है। और इसके अंदर ये ज़्यादातर कैसे होते हैं ऑर्गेनिज्म, इस फाइलम के अंदर आने वाले जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो ज़्यादातर कैसे होते हैं, समुद्री आवास में, यानी कि पानी, समुद्र के पानी के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज़म्स इस पोरीफेरा फाइलम के अंदर आते हैं। उदाहरण के लिए साइकन है, यूप्लेक्टेला है, स्पॉन्जिला है, ये सब इसके उदाहरण हैं जो इस पर्टिकुलर फाइलम के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है अब सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा कैसा होता है, ये कैसे जंतु होते हैं, ये भी जलीय जंतु होते हैं, यानी कि पानी के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, ये भी जलीय जंतु होते हैं। और इनकी जो शारीरिक संरचना होती है, जो बनावट होती है, वो ऊतक स्तर की होती है। ऊतक स्तर की होती है, ऊतक स्तर मतलब कैसे, यानी कि जब बहुत सारी सेल्स का ग्रुप आपस में आकर बहुत टाइटली जुड़ जाता है तो यही जो ग्रुप है वो किस में बदल जाता है, ऊतक में बदल जाता है। किस में, ऊतक में बदल जाता है, और यही क्या करता है, इस पूरी की पूरी बॉडी को बना लेता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाता है। इसीलिए ये कैसे होते हैं, इनका जो शारीरिक संगठन है वो कैसा है, ऊतकीय संगठन होता है। नेक्स्ट है इसमें, इनमें देह गुहा पाई जाती है, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर बॉडी कैविटी जो देह गुहा है इसमें पाई जाती है। इसके साथ ही साथ इसमें क्या होती हैं, इसकी बॉडी के अंदर दो परत होती हैं, एक आंतरिक परत और एक बाह्य परत, दो परत होती हैं, एक आंतरिक परत और एक बाह्य परत। जब इन आंतरिक परत और बाह्य परत के बीच में ये गुहा उपस्थित होती है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं गुहे की है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कैविटी है, यानी कि गुहा उपस्थित है,
ठीक है, तो दो परत होती है, एक आंतरिक, ये वाली आंतरिक परत हो गई और ये बाह्य परत हो गई, इनके बीच में एक गुहा मिलती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, एक गुहा इनके अंदर पाई जाती है, गुहे की यह प्राणी इनको कहा जाता है। और इनकी जो जातियाँ, कुछ जातियाँ समूह में रहती हैं, कुछ जातियाँ तो ऐसी होती हैं जो कि ग्रुप में रहती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो एकाकी होती हैं, यानी कि ग्रुप में, जैसे ग्रुप में एक ग्रुप बनाकर रह रही हैं, कॉलोनी फॉर्म करके रह रही हैं। दूसरी कैसी होती हैं कि सिर्फ वो सिंगल रहना पसंद करती हैं, अकेले रहना पसंद करती हैं। तो जो सिंगल रहना पसंद करती हैं उनको कहते हैं एकाकी जातियाँ, और जो ग्रुप में रहना पसंद करती हैं उनको कहते हैं समूह जातियाँ। इसके उदाहरण हैं हाइड्रा के साथ साथ हाइड्रा है, समुद्री एनीमोन है, और जेलीफिश, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे प्लैटीहेल्मिन्थीस की। प्लैटीहेल्मिन्थीस इस वर्ग के जंतुओं की शारीरिक संरचना अधिक जटिल होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है इस ग्रुप के अंदर आने वाले ऑर्गेनिज्म का। और साथ ही साथ कैसी होती है, द्विपार्श्व सम्मिति क्या होती है, द्विपार्श्व सम्मिति वो होती है कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी एक फिक्स प्लेन से अगर कट करें और उसके अगर दो बराबर यानी कि दाएं और बाएं दो भागों में अगर हम उसको विभाजित कर देते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं द्विपार्श्व सम्मिति ऑर्गेनिज्म या द्विपार्श्व सम्मिति जीव उसको हम कहते हैं। मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है ये लंबाई में, और इसको हमने क्या किया, इसको इस तरीके से इस फिक्स प्लेन से कट किया, तो ये एक दाएं में और एक बाएं भाग में विभाजित अगर हो जाता है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, द्विपार्श्व सम्मिति ऑर्गेनिज्म कहते हैं। साथ ही साथ ये कैसे होते हैं, त्रिकोरिक होते हैं। त्रिकोरिक का मतलब क्या है, इसके अंदर इसकी बॉडी के अंदर क्या मिलती हैं, तीन परत होती हैं, इसकी बॉडी जो है तीन परतों से मिलकर बनी हुई होती है, एक बाह्य परत, दूसरी मध्य परत, और तीसरी कौन सी होती है, आंतरिक परत। और जो ये तीनों परतों को क्या बोलते हैं, त्रिकोरिक, ठीक है, तीन इसके अंदर जब परत मिलती है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, त्रिकोरिक ऑर्गेनिज्म इनको कहते हैं, ठीक। और साथ ही साथ इनके अंदर क्या होता है कि इनमें वास्तविक गुहा का अभाव होता है, यानी कि जैसे हमने पीछे वाले जो पहले वाला जो ऑर्गे जो फाइलम है उसमें हमने जाना था कि गुहा उपस्थित नहीं, वहाँ पर क्या होती है, एक गुहिकीय होते हैं, यानी कि ऐसे प्राणी जिनके अंदर गुहा उपस्थित होती है उनको गुहिकीय प्राणी कहते हैं। और इनके अंदर क्या होती है, गुहा का अभाव होता है, यानी कि जो तीन परतें बाह्य परत, मध्य परत और आंतरिक परत, अगर इनके बीच में गुहा नहीं है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, यानी कि इनको हम क्या कहेंगे, गुहा का अभाव, यानी कि गुहा इनके अंदर उपस्थित नहीं है, गुहा इनके अंदर सुव्यवस्थित या विकसित इनके अंदर नहीं होती है या इसका अभाव होता है। साथ ही साथ ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, चपटे होते हैं, कैसे होते हैं, चपटे होते हैं और पृष्ठधरीय कैसे, मतलब कि जो एक तो होता है वेंट्रल सरफेस और एक होती है डॉर्सल सरफेस। वेंट्रल सरफेस जहाँ पर हमारा जो फेस है वो आ रहा है उसको हम कहेंगे वेंट्रल सरफेस, और डॉर्सल सरफेस कौन सी होती है, जहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी पीछे वाला जो एरिया होता है उसको कहते हैं पृष्ठ, यानी कि रीढ़ की हड्डी वाला एरिया पृष्ठ कहलाता है, और जहाँ हमारा चेहरा आता है उसको हम कहते हैं धरीय। जब ये दोनों जो फेस सरफेसेस हैं वो क्लियरली डिस्टिंग्विश इनके बीच में नहीं, मतलब क्लियरली हम इनको नहीं बता पाते हैं कि कौन सी धरीय सरफेस है और कौन सी पृष्ठ सरफेस है, और ये दोनों मिक्स हो जाती हैं तब उसको हम कहते हैं पृष्ठधरीय सरफेस या पृष्ठधरीय सरफेस उसको हम कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, चपटे ऑर्गेनिज्म इस फाइलम के अंदर आते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, चपटे कृमि भी इनको कहा जाता है। इस फाइलम के अंदर आने वाले ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, चपटे कृमि भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, लिवर फ्लोक है, और कुछ प्लेटी जैसे टीनिया सोलियम है, लिवर फ्लोक है, ये इसके कुछ इसमें आने वाले कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और साथ ही साथ क्या है, प्लेनेरिया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और ये कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं, परजीवी मतलब दूसरे के ऊपर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, किसी दूसरे की बॉडी के ऊपर रहकर अपने जीवन को व्यतीत करने वाले ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, परजीवी ऑर्गेनिज्म कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इतना वीडियो लेक्चर क्लियर हुआ होगा, और अगर ये आपको समझ में आया है, क्लियर हुआ है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।